हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। न्यू एकेडमिक सेशन में आप सभी का स्वागत है। COVID-19 की गाइडलाइंस के चलते जब तक कॉलेजेस ओपन नहीं हो जाती, हम यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हमारा स्टडीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए BFM बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पेपर सेकेंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में संसाधन बहुत सीमित है। एक व्यक्ति की आय सीमित है, एक प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल सीमित है। तो किस तरह से हम उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करके हमारे वेलफेयर को, हमारे सेटिस्फैक्शन को, हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं, उसके लिए हम जिस सब्जेक्ट की थियरीज़ को काम में लेते हैं वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। बिजनेस क्या है ये हम सभी को पता है। तो अब हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विद बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पस of facilitating decision making and forward planning by management। means economics की जो भी theories हैं उनको business के decision लेने के लिए हम जब use करते हैं तो उस subject को हम कहेंगे business economics। business economics जो है वो business firm के needs को फुलफ़िल करता है। एक तरफ है इकोनॉमिक्स की थियरी, इकोनॉमिक्स की मेथडोलॉजी, और दूसरी तरफ है बिजनेस के डिसीजन प्रॉब्लम्स। हम इकोनॉमिक की थियरीज़ को यूज़ करते हुए, जैसे लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक्स की पहले से डेवलप्ड थियरीज़ है उन थियरीज़ को यूज़ करते हुए हम हमारे बिजनेस में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस में हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, और इस प्रकार जो सॉल्यूशंस हमें प्राप्त होते हैं वो उस पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम के बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं। आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की विशेषताएँ क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स विज्ञान भी है, कला भी है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, निर्देशात्मक है, प्रैग्मेटिक है। तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। इनमें सबसे पहला है माइक्रो इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो सूक्ष्म प्रकृति का है। यहाँ पे माइक्रो से हमारा आशय है व्यक्तिगत, व्यक्तिपरक, इंडिविजुअलिस्टिक। बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी नहीं करता है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के एस्पेक्ट से नेशनल इनकम, फॉरेन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट बजट आदि को स्टडी करते हैं, ऐसा बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ माइक्रो इन नेचर। उसके बाद आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। हम नॉर्मेटिव साइंस से पहले एक बार समझेंगे कि इकोनॉमिक्स को हम दो तरह के साइंस में डिवाइड करते हैं। पहला है पॉजिटिव साइंस और दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस रियल फैक्ट्स, रियल डेटा, वास्तविक आंकड़ों, इनके बारे में अध्ययन करता है, उनके बारे में बताता है। जबकि नॉर्मेटिव साइंस में हम ये देखते हैं क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या नहीं होना चाहिए, बिजनेस का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, बिजनेस की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो जहाँ पे हम शुड बी, शुड नॉट बी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हैं वो होता है नॉर्मेटिव साइंस। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम नॉर्मेटिव साइंस की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यह बिजनेस के गोल्स और बिजनेस के अचीवमेंट से रिलेटेड होता है। उसके बाद है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ प्रैग्मेटिक इन नेचर। प्रैग्मेटिक इज प्रैक्टिकल इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम व्यवहारिक दृष्टिकोण अर्थात बिजनेस के व्यवहारिक पहलू, दिन प्रतिदिन की समस्याओं, इससे रिलेटेड व्यवहारिक समाधान आदि से, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में
डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है निर्देशात्मक। बिजनेस इकोनॉमिक्स निर्देश प्रदान करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे वेरिएबल्स लाइक प्राइस, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, बहुत सारे वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है, प्राइस में चेंजेस होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, वेजेस में चेंज आने से कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, मार्केट में आप कितना रेवेन्यू अर्न करने के लिए कितनी प्राइस पे अपने गुड्स को सेल करेंगे, इस तरह के निर्देश प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो प्रिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप कि किस कारण से क्या प्रभाव हो सकता है, इन सबको डिटेल में स्टडी करके ये देखेंगे कि किस तरह से हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, हमारे कौन से डिसीजंस बेटर डिसीजंस होंगे। उसके बाद आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उस वो मल्टीडिसिप्लिनरी है। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कोर सब्जेक्ट नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च, इन सब के टूल्स का यूज़ हुआ है, इसलिए ये मल्टीडिसिप्लिनरी है। उसके बाद आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है और साइंस भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। कला और विज्ञान कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, क्योंकि एक साइंस की तरह जिस तरह से साइंस में थियोरीज होती हैं, मॉडल्स होते हैं, उस तरह से इकोनॉमिक्स की भी पहले से डेवलप्ड कुछ थियोरीज हैं, कुछ मॉडल्स हैं, लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, इस तरह से। और बिजनेस इकोनॉमिक कला तो है ही, क्योंकि किस तरह से एक सीमित संसाधनों के द्वारा, किस तरह से सीमित संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग के द्वारा एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, यह एक बिजनेसमैन की कला है। तो इस प्रकार बिजनेस कला भी है। तो हमने कुछ कुछ विशेषताएं देखी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक बिजनेसमैन को नियोजन और निर्णयन में सहायता करता है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे प्रॉफिट, कॉस्ट, प्राइस, कैपिटल, इन सभी के सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रस्तुत करता है, जिनकी सहायता से निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, प्रोडक्शन कहाँ करना चाहिए, प्रोडक्शन कब करना चाहिए, प्रोडक्शन किस टेक्नोलॉजी से करना चाहिए, तथा प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कितनी आएगी, प्राइस कितना होगा, इस तरह से। तो इस प्रकार बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट हम देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग बिजनेस पॉलिसीज। यह हमें नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। किस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करता है, देखिए अगर कोई भी फर्म है तो उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है लाभ प्राप्त करना। और जब भी हम लाभ प्राप्त करना चाहेंगे तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस बढ़ा देंगे और लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजर की हेल्प करता है कि हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिके भी और प्रॉफिट भी हमारा कम नहीं हो। सो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग बिजनेस पॉलिसीज। थर्ड पॉइंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज समन्वय। समन्वय क्या है ये आप सभी को पता है, किन्हीं भी दो घटनाओं, व्यक्तियों, वेरिएबल्स, इनके बीच में तालमेल, सामंजस्य, उसी को हम कहते हैं समन्वय। तो यहाँ कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स है, इकोनॉमिक्स की जो पहले से थियरीज डेवलप्ड है, उनको जो रियल लाइफ बिजनेस के जो व्यवहार है उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ताकि मैनेजर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके तथा जो भी वेस्टेज है, जो भी लागतें हैं, उनको कम कर सके। नेक्स्ट इज इट इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स नियंत्रण में सहायक है। नियंत्रण है
नियंत्रण से हमारा आशय ये है कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो हमारे मॉडल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका वास्तविक रिजल्ट से कंपैरिजन करना और क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस के रीजंस क्या हैं, ये फाइंड आउट करना और उसके बाद में उनको एलिमिनेट करना। बिजनेस इकोनॉमिक्स की सहायता से जो भी अनडिजायर्ड एक्टिविटीज़ है, अनडिजायर्ड मूवमेंट्स है, अनडिजायर्ड इंसिडेंट है, घटनाएं हैं, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि वेस्टेज, जैसे कि बाय प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्पॉइलेज, इस तरह से, तथा प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज संप्रेषण। तो किस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स कम्युनिकेशन में हेल्प करता है? देखिए, एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन, एक उचित संप्रेषण होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की सफलता चाहते हैं तो। और कुशल संप्रेषण में क्या आता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिविजन्स हैं उनके बीच टाइम पे इंफॉर्मेशन भेजना, इंफॉर्मेशन रिसीव करना, रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो भी स्टडी है वो इस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स गिव्स द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो भी बाहरी शक्तियाँ हैं उनका ज्ञान प्रदान करता है ताकि आप अपनी व्यूह रचना इस तरह से तैयार कर सकें ताकि आपका बिजनेस बाहरी एनवायरनमेंट से में होने वाले अप डाउन को हैंडल कर सकें। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है अनिश्चितताओं को कम करने के लिए। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो उन सब का पता लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भविष्य में होने वाली गतिविधियों का पूर्वानुमान लगा सके और उसके हिसाब से अपने बिजनेस की प्लानिंग और नियोजन कर सके। तो इस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स अनिश्चितताओं को कम करने में भी हमारी सहायता कर सकता है। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी में भी हेल्प करता है कि किस तरह से आप अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डिविजन्स में डिवाइड करें। उसके अलावा उनको कार्य, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी अथॉरिटीज डिसाइड करें कि कौन से अधिकारी, कौन से एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनके क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे। तो इन सब में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ए मैनेजर टू टेक बिजनेस डिसीजंस। नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज मीन्स अर्थशास्त्र में कौन कौन से नियम हम काम में लेते हैं और उन नियमों का अर्थ क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो एक ऐसे स्टेटमेंट्स है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि जब भी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, जब भी रिसोर्सेज की कमी होगी, जब भी उनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होंगे, तो किस तरह से हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस में से एक यूज़ को सेलेक्ट करेंगे ताकि हम हमारे एंड्स में भी सेटिस्फेक्शन, एंड्स में भी वेलफेयर, एंड्स में भी प्रॉफिट, तो हम हमारा जो भी एंड है उसको अचीव कर सके। हम बहुत सारे लॉज इकोनॉमिक में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किस तरह से एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, किस तरह से एक चीज़ को यूज़ करते करते उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक लॉस को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए। आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं।